इनफ टाइम लेट फॉर कैट और नॉट, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर डू वी रियली हैव सफिशिएंट टाइम, अभी भी अगर हम चालू करेंगे तो 5 महीने में हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमें एक रियलिस्टिक चीज चाहिए। सिंपल सी बात है, देखो 5 महीने जो होते हैं ना आपके कैट के लिए वो मोर देन इनफ है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा ना प्लानिंग इसका अच्छे से करो एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड, यू कैन स्टिल गेट इन टू वन ऑफ दी IIM। इसका मैं आपको एक क्विक प्लान यहाँ पे बता दूंगा। मैं बेसिकली प्लान पहले मेरा जो है वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बारे में बात करते हैं। लेवल 1 का जो फंडा है वो ये है भाई, हमें सिलेबस नहीं करना है, हमें चीज़ें बड़ी और बड़ी सिलेक्टिव करनी है, बिकॉज जब आप सिलेक्टिव चीज़ें करते हो ना आपका प्रेशर जो है वो कम होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कैट एक ऐसी एग्जाम है जहाँ पे आपको 100% पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर सिलेबस करने के पीछे पड़ा है तो उनको वो सिलेबस फिनिश करने दो, उनको लेक्चर्स लगाने दो, आप उसका लोड मत लो। मैं जो चीज़ें आपको कह रहा हूँ बस आप वो चीज़ें फॉलो करो। सिलेक्टिव आपको बहुत ज़्यादा रहना है, बिकॉज कैट में आप 100% पेपर करके भी आपको 100% नहीं मिलते हैं, और 100% ना पेपर करने की ज़रूरत है, इतना ही 100% सिलेबस करने की ज़रूरत है, राइट? ऑनेस्टली अगर आप देखोगे आपका जो कैट का जो सिलेबस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप हर एक चीज़ में अगर मैं बात करूँ क्वांट्स के बारे में, अगर मैं बात करूँ गाइस DLR के बारे में, अगर मैं बात करूँ VARC के बारे में, अगर आप 50% सिलेबस भी करते हो, हाँ अगर आप 50% सिलेबस भी करते हो बाकायदा बाइज्जत अच्छे से, तो भी आप 95% प्लस प्लस आराम से निकाल सकते हो, देर इज नो डाउट अबाउट इट। मैंने मेरे जो लाइव सेशंस है वहाँ पे बहुत बारी मैंने ये चीज़ें बताई है, जो मेरे लॉन्ग वीडियोज है उसमें भी मैंने ये बहुत बारी प्रूव करी है। लेवल वन क्या करना है भाई मेरे तुझे, इफ यू आर गुड एट स्टडी, इफ यू आर नॉट गुड एट स्टडी, यू हैव टाइम, यू आर वर्किंग, यू गॉट अ कॉलेज, यू गॉट एन एग्जामिनेशन टू कमिंग अप, वॉट एवर इज द केस, लेवल 1 पकड़ना है क्वांट्स। इसमें आपको करनी है सिलेक्टिव चीज़ें विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री आपको करना ही करना है। फिलहाल शेड्यूल सेमेंटर्स में हम ज्योमेट्री बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आई विल टेल यू, सरप्राइजिंगली कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें ज्योमेट्री से प्यार है बट हमें अल्जेब्रा इतना अच्छा नहीं लगता, और आपने कहा है अरिथमेटिक, तो मैं हर साल अरिथमेटिक के बारे में बोलता हूं तो बच्चे अरिथमेटिक करते हैं। बिकॉज गाइस ध्यान रखना, कम से कम तुम्हारा 35% से लेके 40% का जो पेपर है वो अरिथमेटिक से आता है, सिर्फ 8 चैप्टर्स यहां पे होते हैं। अब मैं आपको 8 चैप्टर का मजा बताता हूं उसमें क्या है। देखो आपके 8 चैप्टर में से कम यहाँ से 11 से 12 क्वेश्चंस निकलने हैं, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके निकलेंगे टाइम्स पर डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से। अब मैं बात करूंगा इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में। सर टाइम्स पर डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क तो यार सर जान ले लेता है, इट्स अ रियली रियली पेनफुल थिंग। बट गाइस याद रखना, आप अगर बेसिक लेवल पे भी देखते हो ना, इस 4 में से कभी कभी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके बेसिक लेवल पे आ जाते हैं, तो आप वो कर सकते हो। बेसिक लेवल डुएबल है, सीधा फॉर्मूला है टाइम्स पर डिस्टेंस का फॉर्मूला डालो, नंबर डालो और सीधा तुम्हारे नंबर्स निकलने हैं, आंसर निकलने वाला है। पिछले 10-15 साल के कैट के पेपर उठा के देखो, तुम्हें यही चीज मिलने वाली है। फाइन, तो आपको अरिथमेटिक अच्छे से लगाना है। एल्जेब्रा और ज्योमेट्री की अगर मैं बारे में बात करूं, या फिर अगर मैं मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम के बारे में बात करूं, इन दोनों को इग्नोर मारो। इसमें से भी अगर आप 50% कर लेते हो काफी है आपके लिए। तो बच्चे कहते हैं कि सर 25 टॉपिक करने हैं यार, हमको मैथ्स में इतना करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने 12 से 13 टॉपिक भी कर लिए बाकायदा बाइज्जत, अरिथमेटिक आपने पूरा कर लिया, आपने इनइक्वालिटीज वगैरह कर लिया, योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। इफ यू डू 8 क्वेश्चंस, और अगर आपका कैट पेपर कैट 2020 की लेवल ऑफ डिफिकल्टी अनुसार आता है, तो भाई मेरे 8 क्वेश्चन पे तुझे 90% आराम से मिलेगा। बट ये 8 क्वेश्चन बच्चा तुम्हें 100% एक्यूरेसी पे करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको 100% एक्यूरेसी नहीं जमती है, सो भाई आपको कम से कम 13 क्वेश्चन करने हैं राउंड अबाउट, लेट्स से 85-90% की एक्यूरेसी पे, और ये आपको अल्जेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री से शॉर्ट शॉर्ट मिलेंगे। यार ज्योमेट्री के ना शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन सर्कल पे आते हैं, ट्रायंगल पे आते हैं, तो आप ये कर सकते हो। दिस इज लेवल 1, जहां पे मैं बहुत ज्यादा सिलेक्टिव पढ़ाई करूंगा। मैं DLR के बारे में अगर मैं बात करूं, सेट 3 आपको करना है किसी भी हाल में, आपको अरेंजमेंट्स करनी है किसी भी हाल में, आपको शेड्यूलिंग करना है, आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट्स करना है। इसमें से आपको 2 सेट आराम से मिलेगा, 2 सेट पे आप कम से कम 95% चल सकते हो, अगर आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल 2020-2021 के लेवल पे आया तो। अब करना क्या है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, इन दोनों चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास 5 महीने पड़े हैं, विच इज नथिंग बट जुलाई, ऑगस्ट, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। गाइस एक मेरा मंत्रा याद रखना, जो टॉपर्स भी फॉलो करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी एक चीज पकड़ लो, हाँ कोई भी एक चीज पकड़ लो, उसमें मास्टर हो जाओ। ऑलवेज रिमेंबर, W versus D, इसका मतलब है विड्थ वर्सेस डेप्थ। विड्थ हम करते थे 10-12 ग्रेजुएशन में, हमें कैट में करना है डेप्थ, एब्सोल्युटली डेप्थ। सर इसका मतलब थोड़ा समझा दो। देखो भाई मेरे, मैं अगर अरिथमेटिक करता हूं तो अरिथमेटिक को मैं निचोड़ दूंगा, मैं उसको इतना हैमर करूंगा, मैं उसके इतने क्वेश्चन करूंगा, मैं उसे कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन करूंगा। हमारे स्कोर बूस्टर में हमने 9000 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से 5000 क्वेश्चन कैट के एग्जैक्ट लेवल के हैं। तो क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा है, तो आप उसका लोड मत लो।
अरिथमेटिक मैंने लिया, अरिथमेटिक के मैंने हर एक लेवल का क्वेश्चन कर लिया, मैंने बेसिक कर लिया, मैंने एडवांस कर लिया। सी टू सी में हो तो आप चैलेंजर भी करोगे, आप इसमें प्रो लेवल बन जाओगे। सो आपको एक चीज उठानी है, उसको फोड़ते रहना है अगले 5 महीने में। जब आप एक चीज पे पूरा का पूरा अपना फोकस लगाते हो, रिमेंबर वो स्टोरी द्रोणाचार्य और अर्जुना की, अर्जुना ने सिर्फ और सिर्फ आंख पे फोकस किया था, दैट्स इट। द्रोणाचार्य जब ट्रेन कर रहे थे बाकी लोगों को, तो किसी ने कहा कि मुझे पंछी दिख रहा है, मुझे झाड़ दिख रहा है, पौधा दिख रहा है, व्हाटएवर, राइट। द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुना को, बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुना ने कहा कि सर मुझे सिर्फ उसकी आंख दिख रही है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू इफ यू जस्ट वांट टू गेट 90 से लेके 95% एंड इवन इफ यू आर एमिंग फॉर 99.50+, ये चीजें आपको उतनी ही काफी है जितना आप, अगर आप 90-95 भी चलते हो, आपका जो ऊपर का जो 10-12 क्वेश्चन है वो आप सॉर्ट आउट कर लोगे। उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। सो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जितना तुम्हारा बनता है उतना करो, यू विल बी स्टिल इन द गेम। सेट थ्योरी हमने ऑलरेडी करी है, सेट थ्योरी का अगर आप देखोगे यार, हमारा ऑलरेडी 30 घंटे का कंटेंट हो चुका है, ज्योमेट्री का हमारा 25 घंटे का कंटेंट होने वाला है। तो आप इसको करते रहो करते रहो करते रहो और इसी में मास्टरी करो। यू हैव टू डू वन थिंग एंड गेट मास्टर इन इट। पूरा का पूरा सिलेबस मत करना भाई मेरे, अगर पूरा का पूरा सिलेबस तुम देखोगे ना तुम डर जाओगे। और सच बताना, तुझे सिलेबस देख के डर लगता है कि नहीं लगता है? मैं गारंटी देता हूँ मैक्सिमम बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि सर इतना सिलेबस देखने के बाद ना हमारी बैंड बज जाती है, हम डर जाते हैं, हम थोड़े सहम जाते हैं और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। वी आर सी में मैं अगर आपको कहूँ, सिंपल सी बात है, मैं वी ए को दो लेवल पे तोड़ता हूँ, वी ए और आर सी। भाई पैरा सिंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन अभी तक नहीं आता है, आर सी वन, आर सी टू, आर सी थ्री, आर सी फोर। देख मेरे भाई, 4 RC कौन से आने वाले हैं किसी को भी पता नहीं है, राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू। तो अगर आप RC पे ज्यादा भरोसा रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, बट मैं कहूंगा कि RC पे आप इतना ज्यादा फोकस मत करो, आप पहले इन चीजों को उड़ा दो। अगर आप मेरी स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हो VRC के, आप कर सकते हो, बट यार मुझे लगता है ना अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे वर्बल एबिलिटी के, जहां पे मान लो तुम्हारे 3 क्वेश्चन पैरा जंबल, तो तुम्हारे 2 क्वेश्चन मान लो ऑड वन आउट और तुम्हारे 2 क्वेश्चन पैरा समरी के आते हैं, यार एक बात बता, तो अगर 5 महीना दिन रात भर अगर मेहनत करता है एक चीज पे, विच इज वर्बल एबिलिटी, क्या तेरा ये सेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा? इसमें मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा 100% एक्यूरेसी आने ही वाला है। चलो फिर भी मान लेते हैं अगर नहीं आया तो क्या करे, एटलीस्ट RC1 RC2 इसको तो अगर 50% भी कर लेता है, इसमें 2 क्वेश्चन सही, इसमें 2 क्वेश्चन सही, यहां पे अगर तेरे 6 क्वेश्चन सही आए तो 6+4 10 क्वेश्चन अगर तू परफेक्ट करता है, तेरा यहां पे 90% शॉर्ट शॉट है बेटा अकॉर्डिंग टू कैट 2021। अगर मैं बात करूं लेवल 1 के बारे में, तो जहां तक मैं बात करता हूं डेप्थ के बारे में, ये उन बच्चों के लिए है जिनको कैट से डर लगता है, तो आप डेप्थ पे ज्यादा फोकस करना। आप में क्या करना है, जो भी चीजें आपने करी आपको क्या करना है, आपको इसकी रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऑलवेज रिमेंबर, हमने JEE लिखा है, हमने AI EEE लिखा, हमने CET लिखा इंजीनियरिंग के लिए, या फिर आपने जो भी NMAT वगैरह करा था NM के लिए, या फिर आपने सिम्बायसिस का कोई BBA का आपने एंट्रेंस वगैरह दिया होगा, ऑलवेज रिमेंबर रिवीजन हेल्प करता है। आपका एक शेड्यूल बनना चाहिए कि वीकेंड में या फिर एटलीस्ट एवरी मंडे ट्यूजडे जो भी आपका दिन है आपको रिवाइज करना ही करना है। ये मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखता हूँ कि बच्चे कैट क्रैक नहीं कर पाते बिकॉज हम रिविजन में ध्यान नहीं देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द मस्ट डू थिंग फॉर यू, राइट। जो भी आप पढ़ाई करते हो रिविजन करना जरूरी है। सो आप रिवाइज करो, दैट्स गोइंग टू बी लेवल 2, जहां पे आप रिवाइज करोगे। अब लेवल 2 में ना आपको थोड़ी सी मेहनत है, ध्यान से सुनना, ये कैट क्रैक करने का की है जो टॉपर भी यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी टॉपिक आप करते हो उस टॉपिक की लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको जानना जरूरी है। सर इसका मतलब क्या, कौन सा क्वेश्चन कब टफ होता है आपको वो जानना जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनइक्वालिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, ट्रायंगल, ये टफ लेवल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि वो क्वेश्चन टफ हो जाता है, और बेसिक लेवल जो क्वेश्चन है भाई उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन कैसे दिखता है, ये तुझे जानना पड़ेगा बच्चों। अगर तुमने ये नहीं जाना तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये जानोगे, ट्रस्ट मी, यू विल 4-5 कैट। ये टॉपर भी करते हैं, 90-95% एलओडी भी करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ है। एलओडी आपको जानना जरूरी है। ये कैसे जानोगे आप, ये हम प्रैक्टिस से करेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन करोगे 400-500, आपको परफेक्ट पता चलेगा कि यार ये क्वेश्चन मेरे से बनते नहीं है और ये क्वेश्चन मेरे से बनते हैं, राइट। सो आपको एलओडी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एट द सेम टाइम जब आप एक काम करते हो, आपको एलओडी जानने के बाद आपको थोड़ा अपना क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो प्रॉफिट एंड लॉस के, आपने ये देखना है कि 100 में से मैंने 70 क्वेश्चन उठाए और 70 में से मेरे 40 क्वेश्चन हैं जो सही आए, बाकी के ऊपर के जो 30 क्वेश्चन थे वो गलत आए। ये क्यों गलत गए, इसका R&D जरूर है, आप ये करना जरूर है, राइट। तो इसको मैं जानूंगा कि अच्छा
30 क्वेश्चन गलत गए बिकॉज इन क्वेश्चन में एक्स वाई जेड चीजें थी और ये एक्स वाई जेड जो चीजें हैं ये क्वेश्चन को टफ बनाती है. तो कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन गलत जा रहा है बिकॉज अगर आपका क्वेश्चन सिलेक्शन गलत हो गया तो बेटा आपका पेपर गलत हो सकता है, राइट. सो आपको वो चीजें ध्यान रखनी है. इसके बाद आपको फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. आपको एक अपनी फॉर्मूला बुक बनानी है एंड नंबर 4 आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं और आपके नोट्स को आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप अगर कोई भी एक टॉपिक उठाते हो जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया या फिर आपने टाइम स्पीड डिस्कस कर लिया, मैं आपको एक क्विक कॉन्फिडेंस वाली चीज बताता हूं. ये कर लेना, बहुत सारे बच्चों ने मुझे अमेजिंग फीडबैक दिया. इसलिए जब भी तुम ये करोगे ना टाइम स्पीड डिस्कस, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2017 से लेके 2021, राइट, 17, 18, 19, 20, 21 पांच साल के पेपर तो उठा के देख जब तेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस तुझे लगा कि मेरा अच्छा हो गया, 1 से 1.25 से या फिर मान लो 200 क्वेश्चन तुमने कर लिए, तो 5 साल का पेपर देख कैट का, उसमें सिर्फ और सिर्फ तू टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस देख. ट्रस्ट मी, तुझे इतना कॉन्फिडेंस आएगा और तू बाइफर्केट करेगा कि सर ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक लेवल वाले हैं, सर इतने क्वेश्चन मीडियम लेवल वाले हैं, सर इतने क्वेश्चन टफ लेवल वाले हैं. और तुम मुझे कहोगे कि सर यू नो व्हाट, एक्चुअल जब हमने देखा तो 40% क्वेश्चन जो थे वो बेसिक लेवल पे थे, 40% क्वेश्चन मीडियम लेवल पे थे और 20% क्वेश्चन जो थे सर वो बहुत ज़्यादा टफ थे. इसका मतलब क्या, अगर आपने ये भी नहीं करे तो भी चलेगा, पर आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो विद अच्छी खासी एक्यूरेसी, मतलब आप गेम में बने रह सकते हो टिल दी एंड. ये बच्चे नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर वो गलत है. आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको ये समझना है कि जिस लेवल पे मेरी पढ़ाई हुई है क्या उस लेवल के क्वेश्चन कैट में आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या मैं वो सॉल्व करने के लिए उतना मैं उसके काबिल हूँ या फिर वो सॉल्व करने के लिए मैं इनेबल हूँ, राइट. जब तुमको ये पता चलेगा कि यार जितना मेरा पढ़ाई हुआ है उसके बलों उसके 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 भरोसे या फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं एक्चुअली कैट के पेपर सॉल्व कर सकता हूँ, तो भाई तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है, तो तुम टेंशन मत लो, राइट. एंड देन कम्स लेवल 3, भाई मेरे आपको लगाने हैं मॉक्स, राइट. आपको देने हैं टॉपिक वाइज मॉक्स और आपको देने हैं सेक्शनल मॉक्स. आपको अगले 5 महीने में टॉपिक वाइज मॉक्स देने हैं, एनालिसिस करना है, सेक्शनल मॉक देने हैं, एनालिसिस करना है. अब मेरी बात सुनो यहाँ पे बच्चा लोग, अगर मैं यहाँ पे ये एनालिसिस करता हूँ किस चीज़ का, कि सर मैंने ना इसका बेंचमार्किंग करा किसके साथ, एक्चुअल कैट के पेपर के साथ, मान ले तूने टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया टाइम स्पीड डिस्टेंस का और वो टेस्ट एकदम बेकार गया, उसमें मान ले 10 क्वेश्चन थे, 10 में से तेरे बस 4 क्वेश्चन बने, बाकी 6 क्वेश्चन तेरे खराब गए एकदम, मतलब तेरे तोते उड़ गए और तूने पूरा का पूरा गलत कर दिया. अब जब तू उसको एनालिसिस करेगा ना तब तू वापस बेंचमार्किंग करेगा, तू क्या बोलेगा, देखो सर ये जो 4 क्वेश्चन थे ना ये बेसिक और मीडियम लेवल पे थे जो एक्चुअल में कैट में आते हैं, बट सर ये जो 6 क्वेश्चन थे ना सर एक कैट से बहुत ज़्यादा ऊपर थे सर, इसलिए मुझे समझ में नहीं आए. तो तू खुद को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता है कि चल ठीक है, ये जो 6 क्वेश्चन थे कैट के ऊपर आए थे, तो अगर मुझे अभी नहीं आता है कोई बात नहीं, बिकॉज मुझे वैसे भी वो टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे. सो मेरे भाई तुझे यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा कि हाँ चलो ठीक है, मैं गेम में बना हूँ, मुझे चीज़ें आती है. इस तरीके से आप खुद को कॉन्फिडेंट रख सकते हो और इस तरीके से आप नवंबर तक कैट के गेम में रह सकते हो. आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे बिकॉज आप हर जगह पे हर चीज़ को आप रियलिटी का तड़का लगाते हो, आप रियलिटी चेक करते हो. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बच्चे प्रिपेयर करते हैं, बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, यू नो व्हाट, कुछ कुछ क्लास वाले इतने बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस कराते हैं ना, वो बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं. ट्रस्ट मी, हमारे पास इतने सारे बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं सिटूसी में, वो हमें कहते हैं कि सर हमारी जो हैंडआउट्स है ना हमारी क्लास की या फिर हमारे क्लास की जो वर्कशीट है या फिर हमारी क्लास की जो ई बुक्स है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं सर वो स्नैप एनमैट और सीईटी के लेवल के हैं, ये क्वेश्चंस तो बहुत ईजी है, ये क्वेश्चंस कैट में आते ही नहीं है, और जो कैट में आते हैं ये लोग वो कराते नहीं है, ये लोग वो अक्टूबर वगैरह में कराते हैं, तो सर हमें पता ही नहीं चलता. एक तो हम बेवकूफ़ बन जाते हैं या फिर जब हमें रियलाइज होता है तब हम टेंशन में आ जाते हैं. सो गाइज ये जिस तरीके से मैंने आपको बोला है उस तरीके से आपको पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार इसको लाइक करना, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना फॉर सुपर डुपर कूल वीडियोस ऑन कैट प्रिपरेशन फ्रॉम माय साइड. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.